हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए स्पेशलाइजेशंस की कि कौन कौन सी एमबीए में स्पेशलाइजेशंस होती है, किस एमबीए स्पेशलाइजेशन की ज्यादा वैल्यू है, क्या मार्केट डिमांड चल रही है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा स्टडी रिलेटेड, करियर टिप्स, एंट्रेंस एग्जाम एंड स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो द फर्स्ट थिंग, MBA एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है एंड MBA पुट्स इन वैल्यू टू योर ग्रेजुएशन डिग्री। आपने जो भी ग्रेजुएशन करा है उसको MBA वैल्यू देता है, इवन उससे आपके पैकेजेस ज़्यादा लगते हैं। बट MBA जब आप स्टार्ट करते हो तो MBA के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, एंड कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स है, क्या मार्केट डिमांड है, तो उसमें हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई किस स्पेशलाइजेशन को हम चूज करें। तो जब भी आप MBA की स्पेशलाइजेशन को चूज कर रहे हैं, आपको कुछ फैक्टर्स है जो आपको माइंड में रखने हैं बिफोर चूजिंग एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला कि भाई मैंने जो स्पेशलाइजेशन चूज करी है उसकी मार्केट डिमांड क्या चल रही है, इसकी क्या मार्केट में कितने लोग, इसकी क्या सैलरी पैकेजेस चल रहे हैं, कितने लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड है, कितने नहीं है, क्या मुझे इस स्पेशलाइजेशन करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन को चेंज करना पड़े, मुझे कंपनी में कुछ और काम करना पड़े। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, मार्केट डिमांड सबसे पहला आपको MBA स्पेशलाइजेशन चूज करते हुए। देन उसकी जॉब अवेलेबिलिटी क्या है, कि उसकी कितनी जॉब्स अवेलेबल है मेरे एरिया में या किस एरिया में इसकी सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। देन मेरा इंटरेस्ट क्या है, सबसे मेन आपका इंटरेस्ट क्या है, मुझको भाई इस काम में मज़ा आता है, मुझे नंबर्स में अच्छा लगता है तो आई विल गो इन फाइनेंस। तो मुझे ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए इंटरेस्ट क्या, क्योंकि वही काम आपको पूरी ज़िंदगी भर करना है, इट्स नॉट लाइक एक या दो या तीन साल, आपको आगे पूरा करियर ही आपको उसी में बनना है। तो आपको इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। देन क्या काम मिलेगा मुझे, मैंने ये स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया, मैंने मार्केटिंग चूज कर लिया, तो मुझे काम क्या मिलेगा उसके अंदर, मुझे ये आपको जॉब प्रोफाइल पे कंसिडर करना चाहिए। देन व्हाट आर दी रीसेंट पैकेजेस ऑफ गोइंग ऑफ दी स्पेशलाइजेशन, क्या स्पेशलाइजेशन से पैकेज में डिफरेंस आ रहा है। तो ये पांच फैक्टर्स जो होते हैं पहले आपको कंसिडर करने चाहिए, समझने चाहिए, उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहिए, राइट। बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो आपको कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन के ऊपर स्टडी कराते हैं। सबसे पहले जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग हमेशा ग्रो करती है और इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, क्योंकि आइदर कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, मार्केटिंग का पर्सन उसको चाहिए ही चाहिए। आइदर हम बात करें विप्रो जैसी कंपनी का अंदर, तो विप्रो में भी क्या होता है, दे नीड अ मार्केटिंग पर्सन जो उनके प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड डील कर सके, अपने प्रोजेक्ट्स को बता सके, क्लाइंट ला सके। यही हम किसी छोटी कंपनी की बात करेंगे तो उसको भी मार्केटिंग पर्सन चाहिए, क्यों, और मार्केटिंग पर्सन की इवन और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करे, अदर प्रोडक्ट से कन्विंस कर सके लोगों को। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन कन्विंस पीपल इजली एंड यू हैव द एबिलिटी टू टॉक और आप ट्रैवल कर सकते हो, तो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को आप कंसिडर करो और इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। एंड ऐसा नहीं है, कई लोगों के माइंड में मिथ होता है कि भाई मार्केटिंग इज ओनली फॉर एक्सट्रोवर्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केटिंग के अंदर इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छा करते हैं, दे स्पीक वेरी स्पेसिफिक एंड बहुत अच्छे से वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट के लिए है, मैं तो बोलता ही कम हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है यू कैन कन्विंस पीपल ईजली तो एंड यू आर एबल टू गिव प्रेजेंटेशन दे सकते हो आप अच्छी एंड क्लाइंट से बात कर सकते हो, तो और ट्रैवलिंग भी आपको अच्छी लगती है, तो आप मार्केटिंग को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज फाइनेंस। फाइनेंस इज वन ऑफ द फेवरेट स्पेशलाइजेशन एंड मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बच्चे इसको बहुत ही पॉपुलर चॉइस समझते हैं और बहुत लोग इसके अंदर एडमिशन लेते हैं, फाइनेंस को चूज करते हैं स्पेशलाइजेशन को, और क्यों ना करें, क्योंकि इट्स हाईली पेड जॉब। आप फाइनेंस करने के बाद आपकी बहुत अच्छा पैकेज लगता है एंड इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है। बट आप फाइनेंस को तभी कंसिडर करो जब आपको नंबर्स से खेलना पसंद है, यू लव नंबर्स, यू लव प्लेइंग विद नंबर्स, तो आप फाइनेंस को कंसिडर करो। एंड इसके बाद आपकी जो जॉब लगती है वो आपकी जॉब लगती है एज अ मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट की तरह लगेगी। एंड इसके अंदर आपको जो काम मिलेगा वो आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाने होंगे, एनालाइज करनी होंगी सारी स्टेटमेंट, ये आपका रोल होगा। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज HR एंड इट इज वन ऑफ द फेवरेट चॉइस ऑफ गर्ल्स। बहुत सारी गर्ल्स की इस स्पेशलाइजेशन को चूज करती हैं। इसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये होता है कि आपको वर्कफोर्स को एक्वायर करना है, रिटेन करना है, मैनेज करना है, ट्रेन करना है, ये सब काम होता है आपको बेसिकली HR के अंदर। एंड जैसे आपको किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि आपको एक जावा का पर्सन चाहिए, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द राइट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन, कि भाई ये पर्सन जो मैं हायर कर रही हूँ क्या इसकी स्टेबिलिटी है, ये क्या ये मैं इसको ट्रेन करूँगी 3-4-6 महीने, ऐसा तो नहीं होगा कि वो कंपनी को लीव कर देगा, क्या वो रिटेन करेगा, क्या वो पर्सन में वो स्किल है जो कंपनी को चाहिए, कंपनी को XYZ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्या उसमें वो है,
लेवल वन का एचआर को बात करनी हो तो देन दे कैन ट्रांसफर इट टू टेक्निकल पर्सन. तो ये सब एक एचआर का काम होता है. इवन एचआर का रोल होता है कि कंपनी में एक एनवायरनमेंट बना के रखे जिसके अंदर मतलब कोई हैरेसमेंट का कोई केस ना हो, सेफ्टी रहे, उसके प्लान एक्टिविटीज को प्लान करे जिसके अंदर जिससे टीम बिल्डिंग हो और कंपनी में एक राइट एनवायरनमेंट रहे. एंड आइदर एक्टिविटीज यू कैन प्लान इन दी ऑफिस में प्लान कर सकते हो या ऑफ साइट प्लान कर सकते हो, अपनी वर्क फोर्स से बेस्ट निकालना, ये सब एक एचआर का काम होता है. अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास ये स्किल है कि लोग मेरी सुनेंगे, आई कैन कन्विंस पीपल, आई कैन कन्विंस माई वर्क फोर्स, आई कैन रिटेन माई वर्क फोर्स, मैं उनको बात करके अगर कोई कंपनी से लीव कर रहा है तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आई कैन टॉक टू देम एंड आई कैन रिटेन देम, और क्या मैं कन्विंस कर सकती हूँ उनकी, मेरे पास थोड़ी सी लीडरशिप स्किल है, तो देन यू शुड कंसिडर एचआर. सो नेक्स्ट इज कंसल्टिंग. कंसल्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रोफाइल जॉब. कंसल्टिंग अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो, इनको डॉक्टर्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है. इनका इनकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब कंपनीज को भी हेल्प चाहिए होती है, इन दी दे आर स्टक इन सम सिचुएशन, तो दे टेक दी है, दे ऑप्ट फॉर दी कंसल्टिंग फॉर्म्स, और वहाँ से एक कंसल्टेंट उनकी हेल्प करता है. एंड हो सकता है यू विल स्पेंड वन डे विद अ बिग सॉफ्टवेयर फर्म एंड अदर डे और विद सम कॉमर्स रिलेटेड स्टाफ. तो ये आपका काम होता है. इसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज लाइक यू शुड हैव प्रेजेंटेशन स्किल, यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, आप उनकी स्ट्रैटेजी बना सको, आप उनकी जो सिचुएशन है एनालाइज कर सको और उसको फिर सॉल्व कर सको, ये आपका काम होता है. तो इसके अंदर भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग रहेगी क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस में कंपनी होती है, आपको वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व. स्पेशलाइजेशन इज आईटी. खाना ऑर्डर करने से सर्विसेज तक, मतलब अगर हम बात करें फूड ऑर्डर कर रहे हैं, ग्रॉसरी ऑर्डर कर रहे हैं, फर्नीचर ऑर्डर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, इवन सर्विसेज आर ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चला गया है. तो इट्स इन आईटी वर्ल्ड एवरीवेयर, सब कुछ ऐप के थ्रू काम हो रहा है, वेबसाइट के थ्रू काम हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू काम हो रहा है, गूगल के थ्रू काम हो रहा है, तो हर चीज़ लोगों के इन हैंड है. तो जब एक कॉमर्स के जब हमें बिजनेस ग्रो करना है तो हमें भी एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको कॉमर्स तो आता ही हो, जिसको पता ही उसे बिजनेस कैसे बढ़ाना है, उसको सारा एनालाइज करना आता है कॉमर्स का, बट उसको आईटी की नॉलेज नहीं है, उसको ऐप ही नहीं पता कि ऐप के बैकएंड में क्या हो रहा होता है, या फिर ऐप के अंदर गूगल एड्स क्या होती हैं या यूट्यूब एड्स क्या होती हैं, मैं अगर गूगल एड चलाऊंगी तो कैसे मेरे पर लीड्स आएंगी, अगर उसको उसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे मेरे बिजनेस को ग्रो करेगा. तो आजकल कंपनी में पर्सन चाहिए होता है जैसे आईटी भी आती हो और उसे कॉमर्स की भी नॉलेज हो, मतलब कॉमर्स के वो एनालाइज भी कर सके क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, किस क्या मैं इसको मतलब क्या सेल आ रही है उससे, क्या मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है अगर मैं गूगल एडवर्ड चलाता हूँ. तो कंपनी को ये सारी चीज़ें चाहिए, वो भी कॉमर्स वाला भी बता सके वेबसाइट पर यहाँ पर ये चीज़ डलनी चाहिए, इससे लोग अट्रैक्ट होंगे. तो कंपनीज को ऐसा ही पसंद चाहिए. आप आईटी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर देंगे कि आपको टेक्निकल सब कुछ आ गया, यू विल बी गिवन सम बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी आपको ज़रूरत हो जब आप एक कंपनी में जाओ और आपको आईटी का रोल आपको ऑफर किया जाए कॉमर्स के साथ, तो आप उस चीज़ों को कर सको. तो दिस रोल इज मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो रोल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इट्स दिस प्रोफाइल इज गोइंग वेरी वेल. बट अगर आपको लगता है अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या बैकएंड में हो रहा है, किस तरीके से एडवर्ड्स है, एसईओ है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इस प्रोफाइल को जरूर कंसिडर करो. स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन आंसर यू.